अब ये देखो यहां पे टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 के इक्वल दे रखा है, थीटा एक एक्यूट एंगल है और टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर 2 को मैं एलएचएस में लिख लूं तो -2 आ जाएगा। अगर 2 को अगर मैं एलएचएस में लिख दूं, क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? लगाओ दिमाग जरा, क्या ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अभी तो नहीं बन रहा होगा, अभी बनवा देते हैं तुम लोगों को, अभी बना देते हैं। कैसे? क्योंकि 2 के साथ कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हो, और 1 को क्या हम लोग टेन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये मल्टीप्लाई 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना आएगा? यहां से लेके यहां तक क्या ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आएगा? बताइए, क्या ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा? तो अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा? यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉट थीटा, समझ रहे हो? अब टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू बराबर कब होती है? 45 पे। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। अब आपको निकालना है टेन क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। तो थीटा को अगर 45 डिग्री रख दिया जाए, यहां पे थीटा को 45 डिग्री अगर रख दें तो टेन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉट क्यूब 45 डिग्री। अब टेन 45 वन होता है, वन का क्यूब वन होगा, कॉट 45 भी वन होता है, उसका भी क्यूब वन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आंसर 2 आ गया? ठीक है, 81% बच्चों ने आंसर कर दिया, क्या बात है। नेक्स्ट देख लीजिए इसी बात पे।